एटीएस ने बीएसएफ के साथ मिलकर हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़ा है। हैरत की बात है कि सारे हथियार बीएसएफ के थे। झारखंड एटीएस ने बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारकर 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। के पास से काफी भारी मात्रा में आर्म्स, एम्युनिशंस और अलग अलग जो एम्युनिशन होती है, जिसमें कि इंसास राइफल से लेके 9mm, AK-47 इत्यादि के राउंड्स बरामद किए गए हैं, डिटोनेटर्स इत्यादि बरामद किया गया है। साथ साथ एक बड़े हथियारों का जो एक नेटवर्क था, जो कि पूरे इंडिया के जितने गिरोह है और जितने उग्रवादी संगठन हैं उनको हथियार बनाकर सप्लाई करता था, उस गिरोह का, उस पूरे संगठन का उद्भेदन किया गया है। इसमें कई सारे नेक्सस सामने में आए हैं, कई सारे इंटरस्टेट लिंक्स सामने में आए हैं, जिनके विरुद्ध एटीएस की कार्रवाई अभी तक लगातार चल रही है। गिरफ्तार लोगों के पास से 9000 राउंड से ज्यादा कारतूस, 14 हाईटेक पिस्टल, मैगजीन सहित कई चीजें बरामद की गई हैं। गिरोह में हेड कांस्टेबल कार्तिक बोहरा भी शामिल है। इसके अलावा बिहार के सारण से बीएसएफ 144 बटालियन के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले अरुण कुमार सिंह भी हैं। अरुण ही इस गिरोह का मास्टरमाइंड है।